हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? ये है मेरा फेस रात को सोने के बाद. कल हमने बहुत सारा शूट किया है एंड आज भी हमारा स्पेशल वाला शूट है जिसके लिए हम यहाँ पे आए, जिसके लिए अभी मैं थोड़ी देर में रेडी होना स्टार्ट करूंगी. ऑल्सो वी आर स्टेइंग एट दिस गॉर्जियस प्रॉपर्टी एट सन श्याम इडुवेली इन मॉलीज. ये बेसिकली ओशन विला है. यहाँ पे यू गेट द ओशन एंड पूल एंड द रूम. एनी विच वेज, सबको वैसे पता ही है कि हम यहाँ पे प्री वेडिंग शूट के लिए आए हुए हैं, जिसको जान के काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा था कि आई एम गेटिंग मैरिड बहुत जल्दी. ऐसा वैसे मतलब नहीं है, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड एकदम से, बट हाँ हम यहाँ पे ऐसे प्री वेडिंग स्टाइल शूट के लिए हैं. अभी उसके लिए रेडी होना है क्योंकि मेरे को लग रहा है हम लेट है, मेरी वीडियो भी डलने वाली है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स गेट रेडी. ये रहा हमारा बड़ा पैकेज जिसको हम उठा के लेकर आए हैं इंडिया से. इसको बताया है मम्मी कितनी बदबू चाहिए तूने. आज वाला मेकअप लुक थोड़ा हैवी होने वाला है एंड मेरे को खुद ही मेकअप करना है एंड तुम्हें मेरे स्किल्स पता ही है मेकअप करते हैं. आई थिंक मेकअप स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट मेरे को ब्लाउज तो पहन ही लेना चाहिए, कितना ज्यादा प्रीटी लग रहा है, इट्स सो हैवी. तो दिस इज द ब्लाउज. मजे की बात ये कि मैंने इसको घर पे ट्राई नहीं किया था, ये मैंने यहीं पे आके ट्राई किया एंड थैंक गॉड ही फिट आ गया आराम से. इसका नेकलाइन कितना मस्त है, पीछे भी अब इतना भारी लटका, इसको सुलझाने में बस पूरी मॉर्निंग ही हो गई है हमारी. अब मेकअप कर लेते हैं, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी. तो जो मेरे नॉर्मल स्टेप्स हैं मेकअप के वो तो मैं करने ही वाला हूँ, जैसे लाइक पहले प्राइमर, फिर कंसीलर, फिर फाउंडेशन, फिर पाउडर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने वेडिंग के लिए रेडी हो रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर हैवी रेड ब्लाउज एंड अभी तो लहंगा तुम देखना, ओह गॉड, उसको तो मैं लोकेशन पे जाती पहनने वाली हूँ. मैं अगर यहाँ से पहन के जाऊँगी मैं बीच पे पहले बार चल ही नहीं पाऊंगी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्रॉपर सैंड है एंड गंदा भी हो जाएगा, तो हमें उसे भी संभाल के रखना है. Primer is done, concealer time. Also, मेरे को यहाँ like इस area में, it's just the bathroom, but मेरे को इतना मज़ा आ रहा है, it's so spacious and light कितनी अच्छी आ रही है and it's all white, so Pinteresty. लिटरली अब मेरे को ऐसा लग रहा है वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. जब मैं नॉर्मल अपना मेकअप वीडियोस बना रही होती हूँ तो मैं ब्लेंडर को लाइक गीला करने वाला प्रोसेस नहीं दिखाती, तो सबको लगता है कि मैं ऐसे लाइक ड्राई वाला ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, बट नहीं, इट्स ऑल वेट. तो ब्लेंड 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 ब्लेंड. मैंने लिटरली इंटरनेट से ही मेकअप सीखा है, इंटरनेट पे कर करके ही प्रैक्टिस हो गई है मेरी एंड मेरे को बस ये रियलाइज़ हुआ है कि आई लाइक माई मेकअप वेरी वेरी नेचुरल, कि मतलब यू नो एज ए रियल स्किन लाइक दिखे, टेक्सचर भी आए तो आम ओके विद दैट. मेरे को पूरा ऐसे हाइड करने का कोई शौक नहीं है एंड मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, बहुत ही केकी लगता है. इसलिए मेरे को ना कभी कभी ऐसे फीलिंग आती है कि मैं अपनी वेडिंग पे अपना खुद का मेकअप ना कर रही हूँ, और जो कि मैंने इंटरनेट से सीखा होगा, दैट विल बी सो क्रेजी. अगेन मेरा कोई सेट रूल्स नहीं है कि मेरे को इसके बाद ये ही करना. आई नो स्टेप्स होते हैं बट लाइक बेस के बाद तो आई डू वट एवर जो मेरा मन करता है, लाइक पहले आईब्रोज कर ली आईज ना करके, या फिर पहले यू नो ब्लश लगा लिया, वट एवर, लाइक जैसे बच्चे नहीं करते हैं, इट्स ओके, खुद को इट्स ओके. अब हम इस गोल अंडे को एक जान देंगे कंटूरिंग करके, थोड़ी सी शेप लेकर आएंगे. भाई साहब पहले मैं बिल्कुल भी कंटूरिंग नहीं करती थी, बिल्कुल गोल अंडा दिखती थी, जो कि मेरे को तो पता भी नहीं था, मेरे को तो लगता था ओ मैं कितनी सही लग रही हूँ, बट बाद में फोटोज में वियर्ड लगता था. तो या फोटो वीडियो में कंटूरिंग तो बहुत ही ज़्यादा यू नो इट जस्ट मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस. ट्रैवल करते हुए ऐसे वाले किट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि इसमें कंटूर, हाईलाइटर, ब्लश एक ही में, तो मेरे को तीन अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. ब्लश, लॉट्स ऑफ ब्लश भर दूंगी मैं अपने आप को ब्लश में. सो आई एम ट्राई डूइंग स्मोकी आई, इट डज बहुत ज़्यादा होता है. पहले जब मेरा मेकअप हो जाता था लाइक फिनिश हो गया है मेकअप, उसके बाद मेरे को ना नोज पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी. तो आई डोंट नो, मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को भी ये वाली बात बताई थी बट उन्होंने मेरे को कुछ इतना नहीं बताया, उन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इतना नहीं ध्यान मत दो. लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा अभी रील्स वगैरह देखी, उस पर किसी ने बताया हुआ था कि इसका जो डस्ट होता है या फिर जो फ्रेग्रेंस होती है कुछ प्रोडक्ट्स में, उसके फ्यूम्स चढ़ते हैं नाक में, तो एलर्जी हो जाती है. तो या कुछ लोग होते हैं जो नाक में लिटरली कॉटन भर के दे डू देयर मेकअप ताकि वो फ्यूम्स अंदर ना जाए एंड यू नो वो छीके ना या फिर उन्हें खुजली ना हो. दैट्स क्रेजी, इट्स अ रियल थिंग. हाईलाइटर, इवन दो यहाँ पे बहुत ही सनी वेदर हो रखा है तो मेरे को लग रहा है मैं वैसे ही चमक जाऊँ क्योंकि मेरे को थोड़ी देर बाद ऑयल आ ही जाता है फेस पे. माई फेस इज ऑयली, लाइक कॉम्बिनेशन है, लाइक कहीं पार्ट्स पे ऑयली है कहीं पे ड्राई है, बट स्टिल हम हाइलाइटर लगाएंगे और चमकेंगे फोटो वीडियो में. फाइनल टचअप, लिपस्टिक
बाल बनाने से पहले ज्वेलरी कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है, ऑल वाइट एंड मोती एंड शीशे का वर्क. अगर तुमने पहले वाला व्लॉग देखा है तो यू नो ये मैंने ज्वेलर हीरी मार्केट से लिया था. इसके साथ मेरे पास इयर रिंग्स और मांग टीका भी है. मांग टीका देखेंगे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, इयर रिंग्स आई गेस विल बी इनफ. ट्राइंग कि हम बन बनाए लाइक लो बन एंड मेरे पास एक्सटेंशंस भी है. परफेक्ट. इतने लंबे बाल मैं जिंदगी में नहीं उगा पाई हूँ. तो हम यही लगा लेंगे. आई होप ये संभाल ले, बहुत हैवी लग रहा है मेरे को. एंड राउंड एंड राउंड. वाओ, काफ़ी इजी था. लाइक 2 मिनट भी नहीं हुए एंड मेरे बाल बन गए. सी वाओ, रेडी. हर साहब कितने मस्त लग रहे हैं. परफेक्ट. क्या है? I'm literally done with my hair. Makeup hair करके ऐसे लगता है I woke up like this. Plan change. हम पूरा लोग अभी तैयार कर रहे हैं क्योंकि we're gonna take photos and more videos. बस हैवी. एक सेकेंड ये नीचे का है. एक बार इन नेल्स को करवा के कोई काम नहीं होता है, कोई ग्रिप नहीं बन पा रही है. ओ मेरे कमर. आई मैंने लिटरली इसका वेट किया था. ये पूरा लहंगा 750 किलो का है. ओ गॉड. एक सेकेंड, मेरी कमर नहीं संभाल पाएगी इतने सारे बोझ को. मेरे शॉर्ट्स दिख रहे हैं. वैसे सही आए शॉर्ट्स हटाने पे. आई फील लाइक अ प्रिंस. अरे गले को क्या हो गया? नहीं यार, चला तो जा रहा है आराम से. दिस इज़ सो ड्रीमी. आराम से मेरे को फिट आ गया. इट्स लो वेस्ट एंड ये थोड़ा भारी है तो ये गिरे जा रहा है, बट मेरी कमर ने संभाल रखा है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ऑल्सो दिस ब्यूटिफुल सेट इज फ्रॉम एवेबल. मैं उनका इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन चेक दैट आउट. इसके साथ अभी मेरा दुपट्टा भी है एंड उसको मैं नहीं जा पाऊँगी, मुड़ के यू टर्न नहीं ले पाऊँगी. वैसे लहंगे मेरा बड़ी हेल्प. दिस इज़ द दुपट्टा. हम इसको ऐसे रखें लाइक दिस. कैसा लग रहा है मन ने? मस्त. तो ऐसे शादी करने का मन तो नहीं कर रहा मुझे देख के? अब जो इतनी सुंदर लग रही हो. करेंगे. मेरे को बैंगल्स भी चाहिए. कहाँ है सारे मैगजीन वाले? कहाँ है? मेरा फोटोशूट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? मस्त. किसी की जरूरत ही नहीं है. खुद की तारीफ करो, खुद के हाइप अप करो. Why do you need validation? ये हमारे बैंगल जो के बारे में आ गए. अब थोड़े हाथ भरे हुए लग रहे हैं, मस्त लग रहा है. आई नो तुम सोच रहे होगे कि ये चूड़ा चूड़ा, बट हमारे आज की शूट की रिक्वायरमेंट में यही था. तो या मैंने मस्त में ही फोटो ले लियो, बिल्कुल ऐसे मस्त. अब मैं प्रॉपर रेडी हूँ. दिस इज लाइक द कम्प्लीट लुक. सो हैप्पी. दिस इज सो प्रिटी. इतना हैवी लहंगा, ये प्रॉपर लाइक प्रिंसेस वाइब आ रही है. प्रिंसेस अब चलती है. सो नाइस, सच अ नाइस फीलिंग यार. हो गया हमारा फोटो वीडियो शूट. अब हम जा रहे हैं अपनी शूट लोकेशन पे एंड और भी जो इसका आगे का ग्लिम्स एंड बीटीएस है वो सब सब इन कपल यूट्यूब चैनल पे आने वाला है. तो तुम भाग जाओ देखो एंड बाय. लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय.